नमस्कार साथियों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे ISPCS प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए कुछ आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं और उनका विस्तार से आपको आंसर बताया जा रहा है। तो याद रखिए, आपके इस तरह के इस प्रकृति के क्वेश्चंस जिस भी आपकी परीक्षा में पूछे जाए, फिर चाहे आपका UPPCS हो गया, सिविल सर्विस हो गया, फिर चाहे आपका MPPSC, BPCS, जो भी आपके एग्जाम हो, उनमें अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो उन सभी के लिए आपके क्वेश्चंस जरूरी रहेंगे। ठीक है, और याद रखिए, आपकी PDF टेलीग्राम पर डाल दी जाती है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिए अपने पास। तो इस तरह की आपकी 6 टेस्ट खत्म हो चुके हैं, 7वां टेस्ट हम लोग चलते हैं, देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन संगला देखते हैं हम लोग, क्या है, क्या है पहला क्वेश्चन हमारा। बाजार हस्तक्षेप योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। बाजार हस्तक्षेप योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। इसे राज्य सरकारों के अनुरोध पर लागू किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। MIS यानी कि बाजार हस्तक्षेप योजना को कृषि उत्पादों के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। ये आपका गलत होगा। क्या होगा, गलत है। इसमें पूछ क्या रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। याद रखिए, मेन आपका क्वेश्चंस का पूरा सार कह लीजिए, चाहे एक तरह से आप लोग आंसर मतलब सही हो सकता है आपका, अगर आप इस पॉइंट को बड़ी ध्यान से पढ़ें। मैं तो कहता हूं कि 1 से 2 बार आराम से पढ़ लिया करिएगा। अब देखिए, इसी को आप लोग देख लीजिए, अगर यहाँ लिखा होता कि सही नहीं है तो कौन सा कथन था, दूसरा हो जाता, बी ऑप्शन हो जाता। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें पूछ रहा है कि सही है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि एक कथन इसमें सही है, तो ए ऑप्शन सही होगा इसमें। और दूसरा क्यों गलत है उस पर भी बात कर लेता हूँ। भारत सरकार उन कृषि और बागवानी वस्तुओं की खरीद के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना का कार्यान्वयन करती है जिनकी प्रवृत्ति नष्ट होने वाली होती है और जो मूल समर्थन योजना के तहत शामिल नहीं होती है, जो मूल समर्थन योजना के तहत शामिल नहीं होते हैं उन्हें खरीदा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या है दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत शामिल की गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत शामिल की गई हैं। उर्वरक, खाद्य तेल, इसे भी शामिल किया गया है। दालें, इसे भी शामिल किया गया है। चीनी, इसे भी शामिल किया गया है। पेट्रोलियम उत्पाद, इसे भी शामिल किया गया है। क्या पूछ रहा है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही चुनना है, तो आपके पांचों को शामिल किया गया है। ये 5 पॉइंट है, इन्हें सबको शामिल किया गया है। 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम अधिनियमित किया गया था, तब से सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को उचित कीमतों पर वस्तु उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक घोषित वस्तुओं का उत्पादन, आपूर्ति, वितरण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। इसमें आपके चारों सॉरी पांचों वस्तुएं आपकी शामिल हैं, यानी कि आप देखेंगे कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्या है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, खरीद मूल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। खरीद मूल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसकी घोषणा फसल की बुआई से पूर्व की जाती है। इसकी घोषणा फसल की बुआई से पूर्व की जाती है, गलत है। खरीद मूल्य हमेशा न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक होता है, ये भी आपका गलत है। क्या पूछ रहा है इसमें, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आप देख रहे हैं, क्योंकि दोनों कथन आपका, एक कथन भी गलत है और दो कथन भी गलत है, यानी कि इसमें आपका कोई भी कथन सही नहीं है। सही क्या होगा इसमें, उस पर भी बात कर लेता हूँ। न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य यह बाजार हस्तक्षेप का एक रूप है, जिसे सरकार फसल की कीमतों में किसी भी भारी गिरावट के खिलाफ किसानों की सुरक्षा प्रदान करती है। याद रखिए, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार के द्वारा तय किया जाता है, आप देखते हैं इसके लिए, आप देखते हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, ए इसलिए
जो भी ये आपका तय कर दिया जाएगा, ठीक है, ये तय कर दिया जाएगा, उससे कम पर आपकी फसल नहीं खरीदी जाएगी। कौन खरीदेगा? ये आपकी सरकार खरीदेगी। अगर आप बाजार में जाकर बेचते हैं तो इसका आपको भुगतान नहीं किया जाएगा। इस योजना का एक तरह से आप कह सकते हैं तभी फायदा मिलेगा जब आप सरकार को अपनी फसल बेचते हैं। आपने देखा होगा कि सोसाइटी पर आप कोटा पर आप अपनी गेहूं देते हैं तो उसका समर्थन मूल्य जो निर्धारित होता है वो दिया जाता है, लेकिन जब आप किसी बिचौलियों को या फिर व्यापारी को बेचते हैं तो आपका वो सस्ता बिकता है क्योंकि उसका फायदा नहीं मिलता है। और खरीद मूल्य की बात करें तो एक ऐसी कीमत होती है जिस पर सरकार यानी कि FCI भारत का खाद्य निगम के माध्यम से बफर स्टॉक और PDS सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनाज खरीदती है और न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा पहले ही की जाती है जबकि खरीद मूल्य की घोषणा कटाई के बाद होती है। दो पॉइंट यहाँ याद रखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की घोषणा बुआई की पहले की जाती है और खरीद मूल्य की घोषणा कटाई के बाद की जाती है। और खरीद मूल्य अक्सर न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक होता है। खरीद मूल्य अक्सर न्यूनतम समर्थन मूल्य से MSP से अधिक होता है, लेकिन कभी कभी ये बराबर भी देखने को आपको मिलेगा। अधिकांश राज्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ अतिरिक्त मूल्य जोड़कर खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके दोनों कथन गलत थे। डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारा अगला क्या है? राष्ट्रीय कृषि बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। राष्ट्रीय कृषि बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है हमें। इसकी स्थापना कृषि एवं प्रौद्योगिकी अवसंरचना कोष के माध्यम से की गई, ये आपका सही है, और इसका क्रियान्वयन लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा किया जाएगा, ये भी आपका सही है। इसमें कृषि उत्पाद बाजार समिति द्वारा संघित बाजार कर को समाप्त करने का प्रावधान किया गया है, ये आपका गलत है। लेकिन इसमें पूछा क्या है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या है? सही नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि केवल तीन कथन सही नहीं है, बाकी एक और दो सही है इसमें। तो तीसरा गलत क्यों है इस पर उस बता देता हूँ। इसमें एकल बिंदु पर बाजार कर एकत्रित करने का प्रावधान है, एकल बिंदु पर, ठीक है। तो इसमें आप क्या लगाओगे? सही नहीं है पूछा है, तो केवल तीन सही नहीं था, यानी कि आप बी ऑप्शन लगाएंगे आप, टिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार। चालू खाता वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात एवं आयात तथा भुगतान के लेन देन को दर्ज करता है, ये आपका बिल्कुल सही है। पूंजी खाता सभी अंतर्राष्ट्रीय खरीद और परिसंपत्तियों की बिक्री को दर्ज करता है, ये भी आपका सही है। क्या पूछा है इसमें? सही कथन पूछा है। तो आप देख रहे होंगे कि एक और दो दोनों कथन आपके सही हैं। क्या है? दोनों कथन आपके सही हैं। तो क्या टिक लगाओगे आप लोग? सी ऑप्शन लगा दोगे, ठीक है, बिना सोचे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्या क्वेश्चन हमारा? स्वायत्त और समायोजित लेन देन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्वायत्त और समायोजित लेन देन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन देन को स्वायत्त तब कहा जाता है जब वे भुगतान संतुलन की स्थिति से स्वतंत्र होती है, बिल्कुल सही बात है। समायोजित लेन देन का निर्धारण स्वायत्त मदों के शुद्ध परिणाम के आधार पर किया जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। भुगतान संतुलन में समायोजित लेन देन को रेखा से ऊपर की मदें कहा जाता है जबकि स्वायत्त लेन देन को रेखा के नीचे की मदें कहा जाता है, ये आपका गलत है। और इसमें पूछा क्या है? सही कथन पूछ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि एक और दो कथन आपका सही है लेकिन तीन तीसरा इसमें गलत है। आखिर तीसरा गलत क्यों है उस पर भी बात कर लेता हूं। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक लेन देनों को तब स्वायत्ता कहा जाता है जब लेन देन अदायगी संतुलन में विषमता को पूरा करने के अलावा किसी और कारणवश
जैसे उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं कि लाभ के मकसद से किए जाते हैं, अर्थात जब वे बीओपी की स्थिति से स्वतंत्र होते हैं, और समायोजित लेन देन रेखाओं के नीचे की मदों का निर्धारण और अदायगी अदायगी संतुलन की विषमता द्वारा होता है, अर्थात जब भुगतान संतुलन घाटे अथवा अधिशेष में हो, और आधिकारिक लेन देन कोष लेन देन बीओपी की विषमता को पाटने के लिए किए जाते हैं। इन्हें अदायगी संतुलन में समायोजित मदों के रूप में देखते हैं हम लोग। तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे, एक और दो कथन सही है, तो इसमें आप लगाएंगे ए ऑप्शन। क्या लगाएंगे, ए ऑप्शन सही है आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है, विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर एक बहुपक्षीय दर है जिससे विदेशी करेंसियों की प्रतिनिधि टोकरी की कीमत प्रदर्शित होती है। सही है। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर की गणना उसके सभी व्यापारिक साझेदारों की वास्तविक विनिमय दरों के भारित औसत के रूप में की जाती है, जो कि विदेशी व्यापार में क्रमशः विभिन्न देशों के अंश का मान है। ये भी आपका सही है। इसमें पूछ क्या रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, यानी कि सही कथन पूछ रहा है। तो एक और दो आपके दोनों कथन सही है। क्या है, दोनों कथन सही हैं, तो आप क्या लगाओगे, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आपसे गलत पूछता तो आप डी लगाते। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्या है अगला क्वेश्चन, वास्तविक विनिमय दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वास्तविक विनिमय दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह वास्तविक विनिमय दर एक से अधिक है तो अपने देश की तुलना में विदेश में वस्तुएं अधिक महंगी होंगी। ये सही है। वास्तविक विनिमय दर का प्रयोग अक्सर किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की माप के लिए किया जाता है। ये भी आपका सही है। इसमें पूछ क्या रहा है, सही कथन बताना है। तो एक और दो आपके दोनों कथन सही हैं। क्या है, दोनों कथन सही हैं। देशी कीमत स्तर और विदेशी कीमत स्तर के बीच के अनुपात को वास्तविक विनिमय दर कहते हैं हम लोग, जिसकी माप एक ही मुद्रा में की जाती है। इसमें आपका सी ऑप्शन था, क्योंकि दोनों कथन आपके सही थे। क्वेश्चन है हमारा अगला, क्या है, रुपये की परिवर्तनीयता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रुपये की परिवर्तनीयता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चालू खाता परिवर्तनीयता का अर्थ है कि भारतीय रुपये को व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी भी राशि के लिए मौजूदा बाजार दरों पर किसी भी विदेशी मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। भारतीय रुपया पूंजी खाता गैर परिवर्तनीय है। भारतीय रुपया पूंजी खाता गैर परिवर्तनीय है। ये भी आपका सही है। इसमें पूछ क्या रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो एक और दो दोनों कथन आपकी सही हैं। क्या है, दोनों कथन आपकी सही हैं बिल्कुल। तो क्या लगाओगे आप लोग, सी ऑप्शन सही है। क्या है, सी ऑप्शन सही है। परिवर्तनीयता वह सुविधा है जिसके माध्यम से कभी भी देश की मुद्रा को स्वर्ण या फिर किसी अन्य मुद्रा में जैसे वैश्विक एक्सचेंज में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, यह इस बात को इंगित करती है कि रुपया की परिवर्तनीयता संबंधी नियम किस हद तक देश में और देश से बाहर पूंजी के प्रवाह और वही वारम की अनुमति देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रतिकारी कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रतिकारी कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। ये घरेलू उत्पादों की सुरक्षा के लिए आयात सब्सिडी के नकारात्मक प्रभाव का सामना करने के लिए लगाए जाते हैं। सही है। ये शुल्क विश्व व्यापार संगठन
द्वारा दिए गए विनिर्देशों के तहत नहीं लगाए जा सकते हैं। ये आपका गलत है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत डंपिंग रोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय जांच कराने और काउंटर बिलिंग ड्यूटीज शुल्क की सिफारिश करने के लिए उत्तरदायी है। ये भी आपका गलत है। यानी कि आपके 2 और 3 कथन गलत हैं, जबकि आपका आप देखेंगे कि पहला कथन केवल इसमें सही है। और आपका पूछ क्या रहा है, उपयुक्त कथनों में से सही कथन चुनना है। तो आप क्या कहेंगे कि एक कथन इसमें सही है। और याद रखिए, जो आपकी इस तरह के संगठन है, WTO हो गया, WHO हो गया, इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ चुके हैं और आपके बता दिया गया है कि बहुत ही विस्तार से। अगर इन पर आप देखें कि 100 से 150 शब्द लिखना होगा तो आप लोग बेहतर तरीके से लिख भी पाएंगे। तो महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से प्लेलिस्ट सूची है, उसमें आपके डले हुए हैं। वैसे यहाँ बता देता हूँ विश्व व्यापार संगठन के बारे में। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी जेनेवा स्विट्जरलैंड में। यह आपका गेट को प्रतिस्थापित करके आया हुआ था। तो इसमें क्या लगाएंगे आप लोग, सी ऑप्शन, क्योंकि ए सही है। क्या है, सी, यानी कि एक ऑप्शन सही है। 2 और 3 गलत क्यों है, उस पर भी बात कर लेता हूं। जब कोई देश निर्धारित मूल्यों से कम मूल्य पर अपने उत्पाद अन्य देशों को बेचता है तो आयातक देश द्वारा यह जानने के लिए एंटी डंपिंग जांच की शुरुआत की जाती है कि इससे उसके देश के घरेलू उद्योगों को प्रभावित नहीं हो रहे। इसके प्रत्युत्तर में विश्व व्यापार संगठन की बहुपक्षीय व्यवस्था के तहत ऐसे उत्पादों के आयात पर शुल्क लगाते हैं। आप समझिए, एक तरह से इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि आपके आप देखते हैं कि चाइनीज कंपनियों के फ़ोन बहुत सस्ते रहते हैं और हमारे यहाँ जो बनते हैं वो महंगे रहते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि चाइनीज कंपनी अगर हमारे बाज़ार को पाट दें, यानी कि बहुत ज़्यादा बेचने लगें, एक तरह से कब्जा कर लें, तो जो हमारे घरेलू कंपनियाँ होंगी जो मोबाइल बनाने वाली, ये घाटे में चली जाएंगी। तो क्या किया जाता है, इसकी जाँच की जाती है कहीं डंपिंग तो नहीं कर रही है चाइनीज कंपनियाँ या चाइना। अगर कर रही हैं तो उस पर उच्च शुल्क लगा देंगे, यानी कि कर लगा देंगे, तो वो वस्तु यानी कि वो फोन महंगा हो जाएगा और हमारे जो भारत के फोन हैं वो प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत अप्रैल 1998 में डंपिंग रोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय का गठन किया गया था। यह वाणिज्य मंत्री की एक शाखा है और सीमा शुल्क अधिनियम के तहत जांच कराने और सिफारिश करने के लिए उत्तरदायी भी है। ठीक है, तो इसमें आपका सी था, ए ऑप्शन, एक कथन सही था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार। ट्रेडमार्क एक कानूनी शब्द है जो रचनाकारों को उनके मूल साहित्यिक, संगीत या फिर कलात्मक कार्यों के लिए दिए गए अधिकारों का वर्णन करता है जो उन्हें उनकी निरंतर उपयोग को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। ये आपका गलत है। पेटेंट एक शीर्षक है जो अपने मालिक को पेटेंट में उल्लिखित आविष्कार का शोषण होने से बचने का अधिकार प्रदान करता है। ये आपका सही है। इसमें पूछ क्या रहा है, सही कथन पूछ रहा है। तो आप देखेंगे केवल दूसरा कथन सही है, पहला आपका गलत क्यों है उस पर भी बात कर लेता हूँ। ट्रेडमार्क, फिर से सुनिए, ट्रेडमार्क एक चिन्ह होता है जिसके द्वारा एक व्यवसाय अपने उत्पादों या सेवाओं की पहचान करता है, उन्हें प्रतियोगियों द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं से अलग करता है। एक तरह से आप सोचिए कि आप कोई सामान बनाने लगे, एक आप बिस्किट निकालने लगे बाजार में, और सोचिए कि आप एक अलग पहचान तो होनी चाहिए आपकी, यानी तो आप उस पर एक इस तरह से चिन्ह लगा दें कि आप ही कंपनी का वो प्रोडक्ट चर्चा में रहे। अगर कोई फर्जी भी अगर नकल भी करता है तो वो बिल्कुल अलग रहे, इसीलिए ट्रेडमार्क एक चिन्ह रहता है। ठीक है, पेटेंट एक शीर्षक है जो अपने मालिकों को पेटेंट में उल्लिखित आविष्कार का शोषण होने से, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि पेटेंट उन लोगों का रहता है जो कोई आविष्कार करते हैं, और आप सोचिए कि आपने आविष्कार किया और दूसरा उसका उपयोग करने लगे, तो इससे बचाने के लिए पेटेंट दिया जाता है। तो इसमें देखेंगे आप लोग केवल दूसरा कथन सही था, पहला गलत था, यानी कि बी ऑप्शन सही है हमारा। क्वेश्चन है हमारे सामने, यूरोपीय पुनर्निर्माण विकास बैंक के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है, विचार करना है। यूरोपीय पुनर्निर्माण विकास बैंक की स्थापना मध्य और पश्चिमी यूरोप में स्थित युद्ध के बाद एक नए युद्ध के निर्माण में मदद करने के लिए की गई थी। गलत है। यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक सेवाएं तथा बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए निजी क्षेत्र के अलावा स्थानीय सरकारों के साथ भी काम करता है। ये आपका सही है। भारत हाल ही में इसमें शामिल हुआ है, इसके संयुक्त निवेश के लिए संचालक देश बन जाएगा। ये भी आपका सही है। क्या पूछ रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो एक और दो सही है। एक तो सबसे पहले याद रखिए, जो शीत युद्ध की बात होती है ये आपका 1991 तक चलता है। कब? 1991 तक। जब तक आपने देखा है कि सोवियत संघ विघटित हो जाता है, रूस और उसके बाकी देश अलग हो जाते हैं। और ये एक तरफ थी इसमें अमेरिकी शक्ति, अमेरिका जिसका नेतृत्व कर रहा था, एक तरह रूस और कुछ महत्वपूर्ण देश शामिल थे उसमें, और इसका नेतृत्व कर रहा था रूस। इन सबको मिलकर कहते थे सोवियत संघ, रूस। उसके बाद आपने देखा है कि 1991 में विघटित हो जाता है, ये खत्म हो जाते एक तरह से। और अगर हम लोग यूरोपियन बैंक ऑफ इसकी बात करूं, अगर यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की, तो इसकी स्थापना आपको 1991 के आसपास देखने को मिलेगी। कब? 1991 के आसपास। ठीक है, इसमें क्या देख रहे थे आप लोग, माफ करिएगा, यहां सही कथन पूछ रहा है। तो दो और तीन कथन सही है, ना कि पहला। ठीक है, इस तरह की अगर गलती हो जाती है तो आप लोग याद रख लिया करिएगा। ठीक है, और आप लोग बता दिया करिएगा कि गलती हो गई है, कहीं ऐसा ना कि कोई हमारा और दोस्त आता है वो इसमें गलती कर बैठता है। तुम्हारे एक परिवार की तरह हम लोग जुड़े हुए हैं, तो आने वाला कोई भी व्यक्ति आए तो उसे अच्छे से जानकारी रहे, इसलिए कमेंट बॉक्स में थोड़ा विस्तार से लिख दिया करिएगा। तो इस यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की अगर हम लोग मुख्यालय की बात करें, तो इसका मुख्यालय आपको लंदन में देखने को मिलेगा। कहाँ? लंदन में देखने को मिलेगा। ठीक है, और यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की स्थापना मध्य और पूर्वी यूरोप में शीत युद्ध के बाद एक नए युग के निर्माण में मदद करने के लिए की गई थी। बाद मतलब आप समझ रहे हैं, 1991 में की गई थी जब शीत युद्ध खत्म हो चुका है। तो इसमें आप देखेंगे कि दो और तीन कथन सही था, यानी कि बी ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात ICOR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात यानी कि ICOR उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई का निर्माण करने के लिए आवश्यक पूंजी या निवेश की अतिरिक्त इकाई को इंगित करता है। सही कथन है, जितना अधिक ICOR का मूल होता है उतनी ही कम देश की उत्पादन क्षमता का स्तर होता है। ये भी आपका सही है, और पूछ क्या रहा है इसमें, सही कथन। तो एक और दो, इसमें दोनों कथन आपकी सही है। क्या है? दोनों सही है। वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले एक उपकरण है, जो अर्थव्यवस्था में किए गए निवेश के स्तर और सकल घरेलू उत्पाद की परिणामी वृद्धि के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें क्या लगाएंगे आप लोग, ऑप्शन सी। क्या लगाएंगे? सी। दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अपस्फीति अंतर अर्थात डिफ्लेशनरी गैप का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अपस्फीति का अंतर का सबसे अच्छा वर्णन करता है। नीचे ऑप्शन दिए गए, इनमें बताना है हमें। यह सकल मांग और अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता के बीच का अंतर है? गलत है। यह रोजगार के पूर्ण स्तर पर संभावित आउटपुट और अर्थव्यवस्था के वास्तविक स्तर पर आउटपुट के बीच का अंतर है? ये आपका सही है। बढ़ती मांग को पूरा करना अर्थव्यवस्था की क्षमता है? ये भी आपका गलत है। यह पूर्ण रोजगार स्तर पर सकल मांग और आउटपुट के सकल मूल्य के बीच का अंतर है? ये भी आपका गलत है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा आपका? बी ऑप्शन सही होगा।
चलते हैं अगले, हम आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन से सरकार की आकस्मिक देनदारियों के अंतर्गत आते हैं? फसल बीमा, सही है, आते हैं इसके अंतर्गत। मुकदमा, मुकदमेबाजी के तहत कर रिफंड, वित्तीय दाय, ये भी आता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बाहर करना, ये भी शामिल है इसमें। और मुकदमेबाजी के तहत कर बकाया, ये आपका शामिल नहीं है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही चुनना है, तो इसमें तीन आपके शामिल हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। सरकार की आकस्मिक देयताएं बीमा दायित्वों की तरह होती हैं, जो कुछ घटनाओं के घटित होने पर आकस्मिक या शाश्वत जिनका सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है। इसमें भुगतान का समय या भुगतान की मात्रा या दोनों अनिश्चित होते हैं। मुख्य रूप से संप्रभु गारंटी के कारण आकस्मिक देनदारियां उत्पन्न होती है, हालांकि यह उससे बढ़कर भी है। आप देखते होंगे कि आपने नहीं, जब बीमा करवाते हैं तो कोई गाड़ी का बीमा करवा रहे हैं, अगर वो टूट फूट जाती है या खो जाती है तो आपको उसके बदले में कुछ मिल जाता है, तो इसी तरह की ये भी है। तो इसमें क्या देखेंगे आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन, 1, 2, 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन? विश्व व्यापार संगठन के तहत विभिन्न प्रकार के बॉक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है इसमें, ब्लू बॉक्स सहायता सब्सिडी है जो उत्पादन को सीमित करने वाली वाले सरकारी कार्यक्रम से संबद्ध है, सही है। ग्रीन बॉक्स घरेलू समर्थन उपाय है जो व्यापार वक्रता या फिर अधिकांश कारणों से न्यूनतम वक्रता का कारण नहीं होता है, ये भी आपका सही है। क्या है? ये भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों कथन सही है। सब्सिडी का एक सीधा सा मतलब आप लोग निकाल लिया करिएगा कि आप देखते हैं कि वैसे आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि आप सिलेंडर हर किसी के घर में आता है और आप देखते हैं कि अगर आपका सब्सिडी आपको मिलती है तो गैस सिलेंडर तो आपको उतना ही मिलता है, 1,000 रुपये आपको जमा करने पड़ते हैं, लेकिन ऊपर से आपका बैंक अकाउंट में कुछ पैसे आ जाते हैं, एक तरह से आपको छूट दे दी जाती है सब्सिडी की तरह, ठीक है। तो इसमें आपके दोनों कथन सही हैं। क्या है? दोनों कथन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। दुर्लभ मुद्रा हार्ड करेंसी एक मौद्रिक प्रणाली है जिसे विश्व भर में व्यापक रूप से वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाता है, सही है। सुलभ मुद्रा सॉफ्ट करेंसी के मूल्य में उतार चढ़ाव होता रहता है यह अस्थिर प्रकार की होती है, ये भी आपका सही है। कौन सा कथन सही है? दोनों कथन आप देखेंगे सही है। हार्ड करेंसी एक तरह से आप अमेरिकी जो डॉलर होता है यही होती है आपकी हार्ड करेंसी। देश की राजनीतिक या आर्थिक अनिश्चितता के परिणाम स्वरूप एक सुलभ मुद्रा यानी कि सॉफ्ट करेंसी एक ऐसा मूल्य है जिसमें काफी उतार चढ़ाव होता रहता है। इस मुद्रा की यानी कि करेंसी की अस्थिरता के परिणाम स्वरूप विदेशी मुद्रा विक्रेताओं द्वारा इसकी उपेक्षा की जाती है। वित्तीय बाजारों में इसे कमजोर मुद्रा के रूप में यानी कि सॉफ्ट करेंसी के रूप में संदर्भित करते हैं। स्वाभाविक रूप से सुलभ मुद्राएं अधिक अस्थिर होती हैं। US डॉलर, यूरो, जापानी येन के विपरीत केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा के रूप में सुलभ मुद्राएं को सुरक्षित नहीं किया जाता है। और आपने देखा होगा कि जो भी केंद्रीय बैंक होती हैं वो रखती हैं अपने पास, तो उसमें हार्ड करेंसी ही रखती हैं। क्या रखती हैं? हार्ड करेंसी, ठीक है। जैसे हर जगह आप डॉलर को देखते हैं कि हर जगह उपयोग होता रहता है, जब भी आप तेल खरीदते हैं तो कहते हैं इतने बैरल का डॉलर, इतने बैरल का है। इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या है? सी ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारा अगला, न्यू डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इन सभी संगठनों के बारे में बता चुका हूं,
अगर आप, मुझे लगता है कि इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, इन्हें अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप सॉल्व करने की स्थिति में बेहतर होंगे। क्या पूछा है? इसे फाटे फोर्टा लेजा घोषणा के परिणाम स्वरूप स्थापित किया गया था। सही कह रहा है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य इस बैंक के सदस्य होते हैं, ये भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आप देख रहे हैं कि दोनों कथन इसमें सही है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में थोड़ा दे देता हूँ यहाँ जानकारी, बाकी आप लोग उसमें पढ़ते रहिए। आपके महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से प्लेलिस्ट सूची है, उसमें आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी संगठन विस्तार से पढ़ाए गए हैं, तो आप उसे जाकर देखते रहें। इसकी स्थापना की बात करें तो 15 जुलाई 2014 में देखने को मिली थी, और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो संघाई चाइना में आपका इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, पित्तक संगठन इसका ब्रिक्स, देख ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसमें आपका सी ऑप्शन था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वाणिज्यिक पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक निगम द्वारा जारी एक सुरक्षित और अल्पकालिक ऋण साधन है। गलत है। वाणिज्यिक पत्र आमतौर पर अंकित मूल पर प्राप्त छूट पर जारी किए जाते हैं और ये प्रचलित बाजार ब्याज दरों को दर्शाते हैं। ये आपका सही है। पूछ क्या रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? दूसरा कथन सही है। और याद रखिए, आप लोग पहले भी इसे पढ़ सकते हैं, कोई मतलब बात नहीं, बस आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। आप पहले भी पढ़ सकते हैं कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, फिर आप लोग इन्हें कथन को देख सकते हैं जिस तरह से आपको सूटेबल लगे, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि दूसरा कथन सही है। पहला कथन गलत क्यों है, इस पर भी बात कर लेता हूँ। वाणिज्यिक पत्र एक निगम द्वारा जारी असुरक्षित अल्पकालिक ऋण साधन है जो आमतौर पर देय खातों और इन्वेंटरी, संपत्ति, स्टॉक में माल या फिर किसी भवन की सामग्री जैसी वस्तुओं की पूरी सूची के वित्त पोषण एवं अल्पकालिक देनदारियों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वाणिज्यिक पत्रों का वास्तविक उद्देश्य होता है अल्पकालिक मौसमी एवं कार्यपूंजी की जरूरतों हेतु निधि उपलब्ध कराना। तो इसमें सही क्या होगा आपका? केवल दो कथन सही था, एक गलत था इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सांप्रदायिक पंचाट के खिलाफ, सांप्रदायिक पंचाट के खिलाफ साबरमती आश्रम में गांधी आमरण अनशन पर बैठे थे। गलत है। सांप्रदायिक पंचाट को कांग्रेस ने खारिज कर दिया, ये भी गलत है। पूना पैक्ट में दलित दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन के विचार को त्याग दिया, इसके स्थान पर प्रांतीय विधानसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई, ये भी आपका गलत है। क्या आप पूछ रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो तीनों कथन आप लोग देख रहे हैं कि गलत है। तो आखिर इसमें सही क्या होगा? 20 सितंबर 1932 को, सितंबर 1932 को गांधी यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठे थे। कहाँ? यरवदा जेल में, जहां उस समय उन्हें कैद रखा गया था। ठीक है, सांप्रदायिक पंचायत से पूर्णतः असहमत होते हुए भी कांग्रेस ने ना तो इसे स्वीकार किया था और ना इसे खारिज किया था। ठीक है, प्रांतीय विधानसभा में दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधानमंडल में 185 कर दी गई थी। ठीक है, तो इसमें ना तो आपका एक सही था और ना ही दो और ना ही तीन, यहाँ मिसपेंड हो गए। चलिए तीनों को शामिल कर लीजिए, ना ही तीन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन कारक भारत में मानसून को प्रभावित करते हैं? आप जानते भी हैं कि हमारे यहाँ की अधिकतम फसल मानसून पर ही निर्भर रहती है,
एक तरह से मानसून का जुआ भी हमारे यहाँ की फसल को कहा जाता है कि अगर फसल अच्छी हो गई, अच्छा मानसून रहा तो अच्छी फसल, और खराब मानसून रहा तो खराब फसल। तो भारत में मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच समुद्री सतह की ताप प्रवणता, सही है, ये भी शामिल है। यूरोप के ऊपर सतही वायु का तापमान, ये भी शामिल है। कोरियालिस बल, इसे भी शामिल है। समुद्री समुद्र और जमीन पर वायु दाब प्रवणता, ये चारों शामिल हैं आपके। भारत के मानसून को ये सभी प्रभावित करते हैं, और सही उत्तर चुनना है तो ये चारों को शामिल किया जाएगा। क्या होगा? चारों को शामिल किया जाएगा। तो आप क्या टिक लगाएंगे? डी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। क्रूज मिसाइलों को एकल प्रक्षेपण बल से परिप्रेक्ष्य के रूप में लक्षित किया जाता है, जिसमें बहुत अधिक मार्गदर्शन नहीं होता है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइलों में आमतौर पर एक मार्गदर्शन प्रणाली कार्य करती है। कैसा है ये कथन? सही या गलत? गलत है। बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग स्थलीय लक्ष्यों को विरुद्ध किया जाता है, जबकि क्रूज मिसाइल का उपयोग अतिरिक्त स्थलीय खतरों के विरुद्ध भी किया जा सकता है। ये भी आपका गलत है। क्या पूछ रहा है? सही कथन पूछ रहा है, सही बताना था हमें। तो ना तो एक सही है और ना ही दो, आखिर दोनों गलत क्यों हैं? बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में अगर बात करूं तो बैलिस्टिक मिसाइल अपने पीछे पर पथ पर आगे बढ़ने वाली मिसाइल है, भले ही वह हथियार है के तौर पर मारक क्षमता में से युक्त हो या नहीं। बैलिस्टिक मिसाइल को एकल प्रक्षेपण बल से प्रक्षेप के रूप में लक्षित किया जाता है, जिसमें बहुत अधिक मार्गदर्शन नहीं होता है। इसे इनकी रेंज और धरती की सतह के लिए कि जिस हिस्से से लॉन्च किया जाता है वहां से उसके लक्ष्य तक की अधिकतम दूरी तक पेलोड को ले जाने के आधार पर कई श्रेणियों में विभाजित भी किया जाता है। क्रूज मिसाइल में आमतौर पर एक मार्गदर्शन प्रणाली आपको देखने को मिलेगी, पेलोड और विमान प्रतिरोधक प्रणाली भी इसमें शामिल रहती है। क्रूज मिसाइल मानव रहित सेल्फ प्रोपेल्ड यानी स्वचालित प्रभाव के समय तक गाइडेड व्हीकल है, जो एरोडायनेमिक लिफ्ट के माध्यम से हवा में उड़ान भरती है। इसका इस्तेमाल कोई आयुध या किसी खास पेलोड को लक्ष्य पर दागने के लिए उपयोग करते हैं। इसमें आप देख रहे थे कि दोनों कथन गलत थे, ना तो एक सही था और ना ही आपका दूसरा सही था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। क्यूब सेट एक षटकोण आकार का लघु उपग्रह है। गलत है। इसके लघु आकार के कारण इसका उपयोग संचार उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। ये भी आपका गलत है। एक क्यूब सेट को 10 से 12 साल तक संचालित किया जा सकता है। ये आपका गलत है। इसमें पूछ क्या रहा है? इसे सबसे अच्छे से पढ़ लिया करिएगा, मैं कई बार दोहरा रहा हूं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आप देख रहे हैं कि तीनों कथन सही नहीं है। क्या है? तीनों कथन सही नहीं है। फिर इसमें आखिर सही क्या होगा उस पर भी बात कर लेते हैं। क्यूब सेट 10 × 10 × 10 सेंटीमीटर क्यूब्स के एक मॉड्यूलर संरचना से निर्मित है। यह एक व्यावसायिक रूप से उपलब्ध अतिरिक्त घटकों को विविधता प्रदान करता है, जिन्हें विभिन्न निर्माताओं ने संरचना में फिट होने के लिए डिजाइन किया गया है।
क्यूब सेट का उपयोग वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है, जैसे दूर संचार सेवाएं प्रदान करना या पृथ्वी के अवलोकन हेतु चित्र लेना। एक क्यूब क्यूब सेट की बात करें तो 3 से 12 महीने की अवधि के लिए संचालित किया जा सकता है। कितना? 3 से 12 महीने के लिए। ठीक है, तो इसमें ना तो आपका क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन होगा, क्योंकि तीनों कथन आपके गलत थे और नहीं है पूछ रहा था, तो इसमें आपका डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। टाइगर रिजर्व का गठन कोर जोन में ही किया जा सकता है। गलत है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक कार्यकारी संस्था है, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में प्रदत्त एक व्यापक कार्यान्वयन भूमिका का निर्वाह करती है। यह भी आपका गलत है। पूछ क्या रहा है, सही कथन बताना है हमें, तो आप देख रहे हैं कि ना तो एक सही है ना ही दो, लेकिन सही क्या होगा उस पर भी बात कर लेता हूँ। आपको मालूम होगा कि भारत सरकार ने 1973 में राष्ट्रीय पशु बाघ को संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था। ये भी आपका कई बार पूछा जा चुका है, वनडे एग्जाम में भी बन चुका है और यूपीपीसीएस भी बन चुका है कई बार। जो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक सतत केंद्र प्रायोजित योजना है, जो नामित बाघ राज्यों में बाघ संरक्षण के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करती है। टाइगर रिजर्व का गठन एक कोर बफर रणनीति पर किया जाता है, और एक राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य के कोर क्षेत्र को कानूनी दर्जा प्राप्त होता है, जबकि बफर या परिधीय क्षेत्र वन और गैर वन भूमि का मिश्रण होता है, जिन्हें एक बहुउपयोगी क्षेत्र के रूप में प्रबंधित भी किया जाता है। जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। क्या है? वैधानिक निकाय। 2006 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों में संशोधन कर बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। और अभी आपने देखा होगा कि जनगणना भी हुई थी, तो उसमें बाघों की संख्या सबसे ज्यादा एमपी में है, 526, और टोटल भारत की बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा 2967। वैसे भी आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी आप लोग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे थे कि दोनों कथन बिल्कुल गलत हैं, तो क्या होगा, डी ऑप्शन, ना तो एक सही है और ना ही दो। क्वेश्चन है हमारा अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। राष्ट्रीय पिति रक्षा विज्ञान संस्थान ने वर्ष 2001 में एक एंटीबायोटिक विकसित की, जिसने भारत में खसरा के प्रसार को कम किया। यह आपका गलत है। यह वायरस श्वसन भाग को संक्रमित करता है और फिर पूरे शरीर में फैल जाता है। ये आपका सही है। इसमें पूछ क्या रहा है, सही कथन, तो आप देख रहे हैं केवल दो कथन इसमें सही है। पहला आखिर गलत क्यों है, क्योंकि खसरा एक बहुत ही संक्रामक रोग है, जो मॉर्बिली वायरस के जीन्स मैक्सो वायरस के संक्रमण से फैलता है। वायरस के लिए एंटीबायोटिक विकसित नहीं किया जा सकता है। एंटीबायोटिक वायरस वायरस के मामले में काम नहीं करता है। ठीक है, तो याद रखना। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। चलिए, तो ये था आपका 7वां टेस्ट। मिलते हैं हम लोग 8वें टेस्ट के साथ अगली क्लास में।